हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पास एक पैनल है इनोलेक्स कंपनी का, और इसके अंदर क्या है प्रॉब्लम, नो पिक्चर कंडीशन में है ये। तो सबसे पहले मैं आपको इनोलेक्स जो हमारे पास पैनल है इसका मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, जो इसका जो नंबर है, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये इसका नंबर है। तो अभी इसको कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर क्या होता है कि जनरली जब भी प्रॉब्लम आती है तो इसके अंदर सभी वोल्टेज जो है वो मिसिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ये नो पिक्चर कंडीशन में रहता है। तो अभी हम इसको पावर लगा के चेक करते हैं, जिसे मैं यहाँ पर पावर लगा लेता हूँ। और पावर लगाने के बाद यहाँ पर आप ये देखेंगे जो इसका इंडिकेटर है उसको हम ऑन करते हैं, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे इंडिकेटर हमारा देख सकते हैं सेट हमारा ऑन हो चुका है। जब ये सेट ऑन होता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो पीसीबी लगी होती है ये उल्टी लगी होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सभी जो प्रिंट है, टेस्टिंग जो पॉइंट है, हमारे को यहीं पे सारे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो मेन वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई, उसे हम चेक करते हैं। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये मिली बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट बिल्कुल ओके है। और 12 वोल्ट के बाद जो इसकी जो वोल्टेज बनती है वो सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट भी इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और उसके अलावा अगर हम और वोल्टेज देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे VDD जो हमारा 1.2 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि जो हमारे टीकॉन IC के अंदर जाती है, 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट यानी कि दोनों वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसके बाद दोस्तों AVDD वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो इसके अंदर AVDD वोल्टेज जो है हमारी, यहाँ पे आप देखेंगे AVDD की जगह यहाँ पे लिखा होता है VAA। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे VAA हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रही है। अभी देखिए क्या होता है कि अगर मान के चलो हमारी सेकेंडरी, ये होती है हमारी सेकेंडरी वोल्टेज, और जो हमारी 3.3 और 1.8 जो होती है वो प्राइमरी वोल्टेज होती है। अगर प्राइमरी वोल्टेज ओके है और सेकेंडरी में दिक्कत है तो देखिए दोस्तों इसके अंदर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो पैनल के अंदर ही होती है। लेकिन अभी चेक करते हैं कि किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलेगी, यानी कि प्रॉब्लम हम इसको फाइंड आउट करने के बाद ही, डायग्नोस करने के बाद ही बता पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है इसका AVDD वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो ना इसका VGH बनेगा ना इसका VGL बनेगा। इस कंडीशन में हमारे को पैनल की जो PCB है वो हमारे को खोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू को हम खोलेंगे और उसके बाद इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रू लगे होते हैं, क्योंकि ये जो PCB है ये हमारी उल्टी लगी हुई है, तो ये छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, इनको काफ़ी सावधानी से खोले जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी लो क्वालिटी के होते हैं, फ्री जल्दी हो जाते हैं। तो जब भी आप इस पे काम करते हैं तो थोड़ा सा इसको प्रेस करके खोलेंगे, तो ये हमारा खुल गया। अभी क्या है, इसको अगर हम दूसरी साइड चेक करते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये इसका जो सर्किट है पूरा। तो इस सर्किट के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर हमारे को क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो रेगुलेटर यहाँ पर लगा हुआ है, जो रेगुलेटर हमारे को 1.2 वोल्ट की सप्लाई देने का काम करता है, ये देख सकते हैं 1.2 वोल्ट बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। और यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो हमारा डायोड है ये 12 वोल्ट की सप्लाई निकाल रहा है, और यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा 12 वोल्ट ही इनपुट ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्किट है ये हमारा AVDD के लिए है, और AVDD के लिए अगर यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो बूस्ट नहीं हो रहा है इस टाइम, यानी कि अगर आप देखेंगे तो डायोड के जो कैथोड वाली साइड है यहाँ पे हमारे को वोल्टेज जो है बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल रही है, यानी कि ये जो हमारी DC to DC IC है वो स्विचिंग का काम नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम यहाँ पर AVDD पे मल्टीमीटर लगा के रखते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारा DC to DC IC है वो वर्किंग में है या नहीं है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हमारी जो वोल्टेज है फ्लक्चुएट करती है तो इसका मतलब वोल्टेज जो है हमारी बूस्ट हो रही है, प्रॉब्लम हमारे यानी कि हो सकता है कि ग्लास के अंदर हो। तो पहले हम इसको ऑन करके देखते हैं, इसका अगर हम देखते हैं इंडिकेटर ऑन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे ये सीधा 12 वोल्ट की सप्लाई पे ही रुका हुआ है, यानी कि 12 से ऊपर नहीं जा रहा है। कई बार होता है कि ये 12 से ऊपर जाता है और वापस 12 पे आके अटक जाता है, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है इसके अंदर।
तो दोस्तों अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो डीसी टू डीसी सर्किट है यानी कि इसी सर्किट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिल रही है। तो अभी क्या है कि हम इसके अंदर अगर स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि इसके अंदर कहीं पे शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, तो हम शॉर्टिंग इसके अंदर देख लेते हैं। तो कई बार क्या होता है डीसी टू डीसी सर्किट में हमारे को शॉर्टिंग मिलती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सर्किट है ये काम नहीं करता। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कुछ पीएफ लगे हुए हैं, इन पीएफ को अगर हम चेक करते हैं और ज़्यादातर जो पीएफ होते हैं वो एवीडीडी की लाइन में हमारे को शॉर्ट मिलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे देखते हैं ये भी ओके है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो अभी हमारे को यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी अभी हमारे को कोई भी शॉर्टिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो देखिए दोस्तों अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिलती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे डायोड है, तो डायोड को भी हम चेक कर लेते हैं एक बार डायोड मोड की रेंज पे लगाकर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो डायोड है वो भी ओके कंडीशन में ही है। तो कई बार देखिए दोस्तों ऐसा होता है कि अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है तो हो सकता है कि हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है वो वर्किंग में ना हो। कई बार रहता है वर्किंग में ना होने की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। इस कंडीशन में हम सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी को रीसोल्ड और क्लीन करके देखते हैं। अगर इसको क्लीन और रीसोल्ड करने पर अगर हमारा जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे को डीसी टू डीसी आईसी को चेंज करना पड़ेगा। तो आपको फिर मैं चेंज करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रीसोल्ड करेंगे पावर निकाल के। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा सर्किट है, इस पूरे सर्किट को हमारे को रीसोल्ड करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर वगैरह की वजह से इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल जो मौसम चल रहा है थोड़ा मॉइस्चर वाला है, तो ये प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादातर देखने को मिलती है डीसी टू डीसी रीसोल्ड करने पर या कोई भी आईसी रीसोल्ड करने पर क्या होता है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। तो ये कब आपको मिलेगा, ज़्यादातर इसी सीजन में आपको, इसी मौसम में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो इसको रीसोल्ड करने के लिए आपको इस तरीके के आयरन का यूज़ कर सकते हैं, माइक्रो आयरन है ये। तो माइक्रो आयरन से आपको इस तरीके से इसको हल्के हाथ से रीसोल्ड करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको हम प्रॉपर तरीके से रीसोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि पैनल की क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे अभी तो ये सारी जो पिनें हैं इसकी रीसोल्ड हो चुकी हैं। तो जब भी आपको रीसोल्ड करना है तो काफ़ी आराम से इत्मीनान से इसको रीसोल्ड किया जाता है दोस्तों। इनकी पिनें कोई भी आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, या अगर ये पिनें शॉर्ट रह जाती है तो कई बार डीसी टू डीसी आईसी जल भी सकती है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा सर्किट है जो चलने वाला वो भी नहीं चलेगा। तो ब्रश लेके आओ एक बार, ब्रश से मैं इसको क्लीन करके देखते हैं। यहाँ पे हम थिनर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है और जो इसकी पिनें हैं अभी कोई भी जो है शॉर्ट नहीं है, यानी कि परफेक्ट कंडीशन में है अभी हमारा। तो इसको हम क्या है थोड़ा सा हीट देकर सुखा लेंगे। अगर ये अब भी नहीं चलता है तो इस कंडीशन में मेरे को जो डीसी टू डीसी आईसी है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये जो होती है पैनल की जनरल टेस्टिंग होती है, इस तरीके से पैनल को आप जनरल टेस्ट करके आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए अभी क्या है इसको अभी थोड़ा सा टेम्परेचर अभी इसका ज़्यादा है और थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने के बाद हम इसके अंदर सप्लाई लगाएंगे, उसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है।
तो यहाँ पे हम इसकी सप्लाई लगाते हैं और देखते हैं। तो ये सेट ऑन हो गया। ऑन होने के बाद देखते हैं कि इसका जो AVDD वोल्टेज है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे जो इसका AVDD वोल्टेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गया है। और AVDD के साथ में अगर मैं इसकी और भी वोल्टेज चेक करता हूँ तो मैं पीछे देखूँगा इसकी सभी वोल्टेज, जो इसका VGH VGL था, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका जो VGH वोल्टेज है 29 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और इसका यानी कि AVDD वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हैं ओके बन रहा है। तो यानी कि इसकी जो ऑलमोस्ट वोल्टेज है यहाँ पे देख सकते हैं VGL वोल्टेज माइनस वोल्टेज में बिल्कुल ओके बन रहा है। तो अभी इसकी पिक्चर देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन बनती है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये भी मैपिंग कंडीशन में है। तो अगर ये मैपिंग में आता है तो इस तरीके से इसको भी हम जो इसकी टीकोन आईसी को भी एक बार हम रीसोल्ड करके देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पूरे पैनल पे मॉइस्चर आने की वजह से इस तरीके की दिक्कतें हमारे को ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगर ये मैपिंग में रहता है फिर भी तो हम इसको सर्विस मोड से भी सही कर सकते हैं। अभी मैं इसको मैपिंग से भी देख लेता हूँ। तो इस तरीके की दिक्कतें भी देखने को मिलती है, कभी एक प्रॉब्लम आती है उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम भी आपको फ्री में मिल जाती है। तो दोनों प्रॉब्लम को आप आसानी से रिपेयर कर पाएँ तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी आईसी को रीसोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पिनें काफ़ी पतली हैं, तो अभी मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सर, इसको हमने यहाँ पे से पूरा क्लीन कर दिया है, यानी कि यहाँ पे भी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है टीकोन आईसी में। और इसको रीसोल्ड करने के बाद भी देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। यहाँ पे हम इसकी पावर लगा लेते हैं, और पावर लगाने के बाद IR को आगे करते हैं और सेट को ऑन करते हैं। सेट को पकड़ के रखो, ऐसे पकड़ो, ये बात, ये देखो ये सेट हमारा ऑन हो गया है। और सेट ऑन होने के बाद देखेंगे जो हमारी पिक्चर है उसकी क्या कंडीशन है। तो ये अभी भी हमारा मैपिंग कंडीशन में है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके की इस कंडीशन में ही सेट अगर रहता है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। LVDS के पिन नंबर को आप 7 या 9 को उसको हाई और लो करके देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रिमोट है तो रिमोट से सर्विस मोड खोल के भी हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका सर्विस मोड खोलता हूँ। सर्विस मोड खोलने के बाद हम देखते हैं इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो ये अभी इसका सर्विस मोड खुल गया है। जनरल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे LVDS मैप है। तो इसको अगर हम 0 करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर है बिल्कुल ओके हो गई है। यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल पैनल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा चल गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।